ओम। सभी को शुभ नमस्ते। सजनों, आज हम आपसे घुटनों की समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं। आज हमारे समाज में घुटनों के दर्द की बहुत गंभीर समस्या होती जा रही है, जो बहुत पीड़ादायक है। रोगी को भी, परिजनों को भी, और मेरे जैसों को भी। कभी मेरी ये सोच रहती है कि मेरी भारत माता का कोई भी सुपुत्र सुपुत्री, बेटा बेटी यदि रोगी हैं, पीड़ित हैं, तो मुझे हृदय से वेदना होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कोई ऐसे पीड़ित रहे। तो सजनों, हम जानते हैं घुटनों के दर्द का कारण क्या है। एक तो सजनों, हमारे पुराने ज़माने में हमारे जितने भी बुज़ुर्ग हुआ करते थे, माताएं बहनें होती थी, वो इतना काम करते थे, इतना काम करते थे, इतना चलते थे, चाहे वो हल के पीछे चलते थे किसान लोग, चाहे पैदल चलते थे मीलों, साधन होते नहीं थे। आज हमारे पास साधन इतने हो गए कि हम थोड़ा सा भी कहीं जाना हो, यानी कि 200-400 गज भी जाना है, तो हम बाइक उठाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, रिक्शा लेते हैं, या और कोई जो भी संसाधन हमें मिल जाए उसका इंतज़ार करते हैं, नहीं तो हम तब तक चल नहीं पाते। एक तो ये हो गई हमारी मानसिकता घुटनों के दर्द का कारण। दूसरा, गैस पे खाना बनता है सजनों, और वो गैस हमारे खाने में जा रही है, जो गैस हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। पहले ईंधन पे खान के चूल्हे से माताएं बहनें खाना बनाती थी, वो माताएं बहनें स्वयं भी स्वस्थ रहती थी। बार बार उठना पड़ता था, अब के मसाला भूल गई, अब के कोई हल्दी भूल गई, अब के कुछ और भूल गए, अब के कोई नमक भूल गए, अब के कोई आटा लेके आना, अब के कुछ और लेना है, अब परोसना है खाना खाने वाले परिजनों को, तो उनको कम से कम एक खाना बनाने के समय 20-30 बार उठना ही पड़ता था। कितनी बार एक्सरसाइज, अब खड़ी रसोई हो गई, तो माताओं बहनों के लिए बहुत दुखदाई है। मशीन भी कपड़े धुलाई वाली खड़ी हो गई, उससे और बहुत सारे कार्य। आप खुद दिमाग में विचार करिए कि हमारा क्या क्या ऐसा काम है, और घुटनों की मूवमेंट हमारी कहाँ कहाँ होती है, जो होनी चाहिए थे वो होनी बंद हो गई। और तो और सजनों, हम शौचालय भी इंग्लिश सीट में जाने लग गए, जो कि इंग्लिश सीट हमारे लिए बनी नहीं थी, ये तो केवल विदेशी और पाश्चात्य देशों लोगों के लिए थी। जहाँ ठंड 12 मास पड़ती है, उनके अकड़न रहती है शरीर के अंदर, उनके घुटने मुड़ते नहीं, इसलिए उन्होंने इंग्लिश सीट ईजाद की थी। लेकिन क्योंकि हम फैशनेबल हो गए, हमें लोटा डब्बा पानी लेना पड़ेगा, टूटी खोलनी पड़ेगी, आज जेट से काम चला रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में हमारे घुटने फिर ख़राब होंगे। हाँ, ये हमारे यहाँ इंग्लिश शौचालय इसलिए आए थे कि किसी को कोई दुर्घटना हो गई, कोई एक्सीडेंटल केस है, घुटना खराब हो गया, मजबूरी बस, अगर हम बैठ नहीं सकते उकड़ू, तो हम इंग्लिश सीट का इस्तेमाल करें, तो मजबूर लोगों के लिए तो वो है, लेकिन स्वस्थ लोग अगर उसको इस्तेमाल करें तो वो पीड़ादायक ही होगा। आगे हमारे घुटनों की मूवमेंट होने वाली नहीं है, फिर हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा या पीड़ा झेलते रहें। सजनों, परमात्मा ने हमारे जितने भी ये जोड़ दिए, यहाँ से लेके ये जोड़ है, 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 ये यहाँ से जोड़ना कमर मुड़ती है, ये कूल्हे का जोड़ है, ये घुटने का जोड़ है, ये टखने का गट्टे का जोड़ है, ये फिर उंगलियों का जोड़ है, जितने भी जोड़ है शरीर के, उन्हें हमें 12 मास 24 घंटे एक्टिव रखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। हमें परमात्मा ने ये स्वस्थ शरीर दिया है, और हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको परमात्मा तक जब तक जाएं तब तक इसको स्वस्थ रखने का अपनी तरफ से तो प्रयास करें। कोई दुर्घटना होती है, कोई और किसी तरह की लापरवाही होती है, वो तो हम जिसको हम कर नहीं सकते, मजबूर हैं, लेकिन जहाँ तक हम कर सकते हैं वहाँ तक हम करें तो अच्छा रहेगा। तो सजनों, ऐसी लापरवाहियाँ से हम बचें। यदि गैस, कब्ज और ये एसिडिटी, ऐसे संसाधनों से और फास्ट फूड खा खा करके अगर हम घुटने खराब कर रहे हैं, शौचालय इंग्लिश में जा करके कर रहे हैं, तो हमें वो दुखदायी होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इन चीज़ों से बचें, और खाने में आप सलाद, ताज़ा भोजन, मोटा और खुरदरा आटा पिसवाएं, मैदे के पदार्थों से बचें, प्लस कुछ प्राणायाम और कुछ आसन एक्सरसाइज जोड़ लें, आपके घुटने स्वस्थ रहेंगे। मैं आपका सच्चा शुभचिंतक होकर बात कर रहा हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने आपके सामने,
कि ये ले लीजिए, ये दवाई ठीक रहेगी, ये दवाई ठीक, ऐसा मेरा कोई लालच नहीं है। मैं आपसे सीधा आपकी भारत माता का मैं बेटा हूँ और आप हैं उसी भाई बहन के नाते में बात कर रहा हूँ। तो आइए देखिए, हम सबसे पहले इसमें घुटने के दर्द में कपालभाति करें, भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें, ये प्राणायाम आपको लाभ देने वाले हैं। तो देखिए, लेकिन इनको सही विधि होनी चाहिए। भस्त्रिका ये सज्जनों, जितनी ऑक्सीजन हम ज्यादा लेंगे अंदर, उतना हमारी मेडिसिन का काम करेगी ऑक्सीजन, क्योंकि दुनिया की सब औषधियों से ज्यादा बड़ा काम करती है शुद्ध ऑक्सीजन, और वो हम अंदर लेने वाले प्राणायाम के माध्यम से, गहरे श्वासों के माध्यम से। तो हृदय फेफड़े फुलाने हैं गुब्बारे की तरह ऐसे, कपाल भाति, तो भस्त्रिका आप 15-15 बार लगभग 3 चक्कर करें, 15-45, ये आप 250-300 बार से आप 500-700 बार तक बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे 1000 बार तक कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ी सावधानी ज़रूर है, जब आपको हाई बीपी रहता हो तो हाई बीपी में हल्के स्ट्रोक लगाएं, डिप्रेशन रहता हो, चक्कर आता हो तो थोड़ा, जैसे गाड़ी रोड आपका ख़राब है, गाड़ी आप तेज़ चला रहे हैं तो आपको रोड ख़राब देखते ही गियर बदलना होता है, तो यहाँ भी गियर बदल दें, थोड़ा ऐसे करें, ऐसे ना करें, दिक्कत नहीं आएगी। तो अब आप चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखिए, तीसरा नंबर, बाएं से भरा लेकिन खींचना गले से ही है, ये सजनों हमारे प्राणायाम हुए। तो इस विधि से आप ये 3 प्राणायाम करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और इसके बाद हो सके तो घुटनों को आलती पालती लगा के बैठने से बचें, जिनके घुटनों में दर्द आ गया है। आलती पालती लगाना ज़्यादा देर तक घुटनों के हित में नहीं रहता रोगी व्यक्ति के लिए। स्वस्थ व्यक्ति तो खूब लगाएं, ये भारतीय हमारा आसन है और बड़ा ही शिष्टाचार का आसन है। किसी भी सभा के अंदर, किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी उत्सव के अंदर हमें ऐसे बैठना होता है, ये बैठना आना भी चाहिए। जो आलती पालती नहीं लगा के बैठ पाते, उनके लिए मेरा अगला वीडियो आएगा, आप उसके लिए उस पर ध्यान देंगे, किन्हीं को ऐसी दिक्कत भी हो तो। लेकिन यहाँ मैं घुटनों के दर्द में इसका निषेध बता रहा हूँ, वो ऐसे इस आसन से बचें। अब आइए सज्जनों, कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए, जो मुख्य रूप से काम करेंगे। हाथ पीछे टिकाए और ऐसे ऐसे पैरों को सामने खींचा, अपनी तरफ खींचा। इसको यदि आप श्वासों के साथ करेंगे तो और लाभ की मात्रा बढ़ जाती है। सज्जनों देखिए, ये श्वास भरा, सज्जनों फेफड़े माँ जैसा काम करते हैं। माँ को पता है मेरा बेटा व्यायाम करने गया, जिम करने गया है, अखाड़े में कुश्ती लड़ने गया है, वो माँ उसको बादाम घोट के देख रखेगी, सामने बादाम वाला दूध रखेगी, बादाम का हलवा बना के रखेगी। तो इस फेफड़े रूपी माँ को पता है कि मेरे इन अंगों पे इस समय भार पड़ रहा है, ये काम कर रहे हैं, तो उधर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा देंगी। इसलिए श्वास के साथ करने से लाभ ज़्यादा बढ़ेगा। फिर थोड़े से पैर खोलें और खोल के ऐसे मिलाने, पीछे हाथ रख के सहारे के लिए, श्वासों के साथ।
अब आपको पैर मोड़ना एक एक बारी बारी। और हमारे कोई माता बहन सज्जन बुजुर्ग यदि पीड़ित ज़्यादा रहते हैं और वो बैठ के नहीं कर सकते तो लेट के भी कर सकते हैं एक्सरसाइज को, उनके बैठने का जो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे पैर मोड़ा फिसलाते हुए और धीरे से सीधा कर दिया, फिर मोड़ा दूसरा सीधा कर दिया, फिर पहला मोड़ा सीधा कर दिया धीरे धीरे। इसको जल्दी नहीं करना, झटका ना लगे। जैसे ही ये पैर नीचे जाएगा तो ये ऐसे झटका ना लगे, झटका हानि कर सकता है। तो ये आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे करेंगे। हर एक्सरसाइज कम से कम 15 बार करें, ज़्यादा कर सके तो 20 बार कर लें, लेकिन 15 बार तक ज़रूर करें। फिर आप ऐसे घुटना ये थोड़ा ऊपर उठाया, हाथ की मुट्ठी मैं आपको दबा के दिखा रहा हूँ, तो ऐसे आपने मुट्ठी को नीचे दबाना है, श्वास भर लिया पूरा और दबाए रखें। आप इसको लेट के भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप बोतल दे सकते हैं नीचे, बोतल दबा प्लास्टिक की बोतल पानी भर के और ऐसे लंबी दबा दें बिल्कुल घुटने के सेंटर में जहाँ से मुड़ता हमारा घुटना, फिर उसको ऐसे दबाएं, चाहे लेट के करें चाहे बैठ के करें। हाँ, बैठ के करना उन्हें नुकसान देगा जिन्हें कमर दर्द रहता है, वो आगे झुकेंगे तो उनकी कमर में दर्द बढ़ेगा। तो ये आप दबाते रहें ऐसे श्वास भर के, और यदि श्वास के साथ भी नहीं कर रहे तो एक बार दबाने के बाद 10 गिनती करें या 15 तक गिनती करें, 1 2 दवाई रखें, 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला छोड़ दिया ऐसे ही। फिर इस मुट्ठी को या बोतल आपने ले ली तो बोतल को घुटने से नीचे दबाना, प्लास्टिक की बोतल देना भाई ज़रा ढक्कन बंद करके, ये बोतल ली और ये यहाँ घुटने के नीचे लगाई प्लास्टिक की, और ऐसे नीचे दबाना है, पूरा प्रेशर पड़ेगा और आपका घुटने में लाभ मिलने वाला है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, ये घुटने को मैं उघाड़ के दिखाऊंगा। तो ये आपने पाली बोलते हैं इसको, नी कैप या पाली, ये दोनों पैर एक साथ भी चल जाते हैं। तो सजनों इसको हाथ पीछे रखें और आराम से ऐसे खींचा, ये खींचा श्वास भर के, श्वास बाहर किया ढीला, फिर श्वास भरा खींच लिया, टाइट रखना कुछ देर तक, रोक के रखना इस मूवमेंट को, टाइट श्वास रोक रखा, श्वास बाहर किया ढीला, फिर श्वास भरा खींच लिया घुटने को ऊपर को, जंघा की मसल्स भी खींच रही है साथ साथ, उनकी भी शक्ति बढ़ रही है, फिर ढीला, फिर श्वास भरा खींच लिया ढीला छोड़ा, फिर खींच लिया ढीला छोड़ा। सजनों अगला अभ्यास है हमारा, आप लेट जाएं और लेट के ऐसे करेंगे, तो मैं लेट के दिखाता हूं। हाँ, जिन्हें कैसी भी दिक्कत हो वो कभी भी ऐसे सीधे ना लेटें और ऐसे सीधे ना उठें, यानी कि कमर दर्द ज़्यादा रहता हो, हर्निया हो, माताओं बहनों को कोई यूट्रस की समस्या हो, तो वो करवट लें पहले और फिर धीरे से ऐसे सहारा लेते हुए कौनी टिकाएं हथेली टिकाएं, फिर ऐसे लेटें। तो अब आपने घुटने के दर्द के लिए, हमारे घुटने स्वस्थ रहें, मेरे देशवासियों के, मेरे समाज के लोगों के घुटने स्वस्थ रहें, ये मेरी पीड़ा रहती है, तो आप इतना पैर उठाएं, ऐसे पंजा खींच के रखें अपनी तरफ और इसको 30 गिनने तक, शुरू में 20 गिनने तक रोके रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे ही फिर दूसरा पैर, फिर श्वास भर लें उठा लें। हाँ, जिनका पेट खराब रहता हो वो इसको दोनों पैर इकट्ठा करके करें, उत्तान पादासन हो जाएगा, घुटने दोनों ही स्वस्थ हो रहे हैं एक साथ में, और पेट भी स्वस्थ होगा, हृदय फेफड़े भी स्वस्थ और तगड़े मजबूत होंगे, मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, यहाँ तक प्रेशर आता है उत्तान पादासन से। लेकिन यदि आप थोड़ा अपने अंदर कमजोरी महसूस करते हैं, वृद्धावस्था है, हमारे दादा दादी कोई हैं इस तरह से,
तो फिर एक पैर से करें सज्जनों, ये अभ्यास हुआ। अब ऐसे अभी जो हमने अभ्यास किया इसको आप 5-4 मिनट जरूर करें, 5 मिनट उस पैर से, 5 मिनट उस पैर से, और अब ये गोल गोल घुमाना है पैर। तो इसमें सज्जनों आपने ऊंचा ज्यादा नहीं ले जाना, अंडाकार घुमाना है ऐसे। यदि आप ऊंचा ले जाएंगे तो आपका मेरे कूल्हे पे वजन आ रहा है, नीचा रखेंगे तो घुटने पे आ रहा है, घुटने पे आना चाहिए। तो ऐसे गोल घुमाना है, ये अंडाकार, साइड में ज्यादा ले जाना है और ऐसे घुमाना है हाथ को, पैर को। ऐसे ही फिर दूसरा पैर उल्टा भी घुमाना है, सीधा भी घुमाना है, अंडाकार गोल। कूल्हे का लाभ लेना है तो ऊंचा उठाएं, घुटने का लाभ लेना है तो नीचा, हो सके तो पैर को ऐसे खींच के रखें, और भूल हो जाए छूट जाए तो कोई बात नहीं, जब ध्यान आ जाए तब पंजा अपनी तरफ खींच लें। घुटनों का गैप होता है उसमें भी लाभ देगा। तो ऐसे मोड़ा पैर को, सीधा कर दिया, दूसरा मोड़ लिया, सीधा कर दिया, फिर दूसरा मोड़ लिया, फिर सीधा कर दिया, ये धीरे धीरे दोनों पैर एक साथ मोड़े 10-10 बार, 15-15 बार हर एक्सरसाइज करें, फिर धीरे धीरे। यहाँ एकदम से झटका ना लगे, ये झटका नहीं लगना चाहिए, ये हानि करेगा, क्योंकि हमारे घुटनों की इधर को मुड़ने की प्रवृत्ति नहीं है, प्रकृति नहीं है। तो धीरे धीरे मोड़े और धीरे धीरे सीधे किए, ये झटका बचाना है। धीरे से ही पैर सीधे हो जाएं, इसके नीचे आप कोई हल्का सा तौलिया वगैरह रोल करके भी रख सकते हैं, झटका ना लगे, तकिया रख सकते हैं। ऐसे 10-15 बार करें और आप धीरे से पैर मोड़िए सजनों। ये ऐसे कमर उठानी है, आपके घुटने भी मजबूत होंगे और आपके कमर का भी दर्द ठीक होने वाला है, हर्निया वालों को भी लाभ मिलेगा। एक पंथ कई काज, हर्निया, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, टांगों की कमजोरी, टांगें कांपती हैं बातें करते करते। कई बहनें ऐसी आती हैं कि 4 सहेलियों में बातें कर रही हैं और खड़े खड़े टांगें कांप रही हैं, उनकी टांगें नहीं कांपेंगी और टांगों में जान आएगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे उठाएं और रोके रखें। अब इसके पश्चात सजनों ये थोड़े से पैर खोले ऐसे, और ऐसे पैरों को झुकाना है। ये नीचे वाला पैर तो आराम से टिक जाएगा, लेकिन इस पैर पे यहाँ खिंचाव आएगा, इस पॉइंट पे, ये घुटने के इस हिस्से के दर्द को ठीक करता है, और इधर ये खिंचाव आ रहा है कमर पे और कूल्हे पे, जंघा पे सारा, यानी कि इस समय इस घुटने को लाभ मिलेगा। और अब दूसरी तरफ करेंगे तो इस घुटने को लाभ मिलेगा। इस समय हाथ ऐसे रख सकते हैं आप, फैला के हाथ कमर के लगभग पास रख सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे किया दूसरी तरफ। फिर सजनों यदि घुटने में बहुत ज्यादा दर्द नहीं है, तो ज्यादा दर्द हो तो वो ना करें, वो इन सबको तो करें, लेकिन ये अभ्यास ये कम दर्द वालों के लिए बता रहा हूं, करते हुए दर्द नहीं होना चाहिए। किसी भी अभ्यास में यदि करते हुए दर्द आ रहा है वो अभ्यास छोड़ना होगा सजनों, ये ध्यान देंगे। श्वास भरा और हाथ रोक रहे हैं, पैर खुलने की कोशिश कर रहा है, धीरे से वापसी, मैं हाथों से पैर को रोक रहा हूं, लेकिन पैर में क्योंकि हाथों से ज्यादा ताकत है, पैर खुलने की कोशिश कर रहा है। कुछ हाथों से हमने यहां रस्सा कसी नहीं करनी, ढीला भी देना है पैर को, ओवर पावर नहीं लगानी, बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी, तो थोड़ा खुलने देना है, थोड़ा रोकना भी है, ऐसे ये। तो यदि करते हुए दर्द आए तो इस अभ्यास को ना करें, लेकिन कम दर्द में बहुत लाभ करेगा, जिनके घुटनों में दर्द नहीं है उनको बहुत ज्यादा जान देने वाला है। ऐसे ही दूसरे पैर से करें, श्वास भरा, ये खींचा और धीरे से वापस आने दिया, फिर श्वास भरा, खींचा, वापस आने दिया निकालते हुए श्वास, फिर श्वास भरा,
इसके पश्चात धीरे से बैठ गए और बैठने के बाद सजनों आप कुर्सी पे बैठे। कुर्सी पे बैठ के आपने अखबार ले लिया और अखबार यहाँ पे घुटनों से दबाना है अच्छे से, फिर पैर खोलने हैं और ऐसे सीधे करने हैं, लेकिन अखबार ना गिरे। कोशिश ऐसी करनी है कि अखबार आपका गिरे नहीं। मैंने हाथ अखबार की जगह हाथ लगाया हुआ है तो ये भिचा रहना चाहिए। यहाँ से अखबार थोड़ा मोटे कर सकते हैं कई सारे तह करके और उसको ऐसे दबा लें, वो गिरना नहीं चाहिए। और ऐसे ऐसे 10 बार 15 बार 20 बार, हाँ जो इस अभ्यास को करने में दिक्कत महसूस करें हमारे बड़े बुजुर्ग आदरणीय सज्जन, वो एक एक पैर करें, दोनों हाथ ऐसे टिका लें, एक पैर उठाएं, रोके रखें 10 गिनने तक, 15 गिनने तक, 20 गिनने तक, फिर धीरे से वापस करें, फिर श्वास भरें, पंजा अपनी तरफ खींचा हुआ, रोके रखें, फिर श्वास भरें, रोके रखें, फिर दोनों पैर ऐसे ही श्वास भरें और रोके रखें। और अब बात आती है घुटनों के जकड़न को दूर करने के लिए हल्की मसाज। तो सजनों आज जमाना बहुत तेज़ी से भाग रहा है, माता पिता की बड़े बूढ़ों की सेवा करने के लिए कई बार बच्चे उपलब्ध होते भी हैं, कई बार नहीं भी होते, भाग दौड़ में कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में ये सहज मसाज बता रहा हूँ मैं। ऐसी माताएं बहनें, ऐसे सज्जन, ऐसे हमारे आदरणीय पूजनीय गुरुजन, ऐसे जो वृद्धजन हैं वो ऐसे इस हाथों को अपने घुमाते रहें कपड़े के ऊपर, पायजामे पैंट के ऊपर, माताएं बहनें सूट सलवार के ऊपर ऐसे घुमाते रहें। यहाँ की नसों का खून का दौरा रुकेगा नहीं, खून गर्म रहेगा तो आपके घुटनों में दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। खून की जो रुकने की स्थिति होती है तभी हमारे घुटनों में दर्द होता है। इसी को नहाने से पहले यदि सर्दियों में तिल के तेल से आप घुटनों की मसाज कर लें, मालिश कर लें और उसके पश्चात आप अपने कपड़े पहने नहा धो करके, और दिन में भी आप जब खाली बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किसी को ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो ऐसे समय में आप ये हाथ ऐसे घुमाते रहें, बात करने वाले बातें भी करते रहेंगे, सुनते भी रहेंगे, आप अपने घुटने घुमाते रहिए, आपके घुटने स्वस्थ होते रहेंगे। इसलिए ये आपको सबसे ज़्यादा लाभ देने वाला है सजनों। और अब रही बात खान पान की, तो सजनों खान पान एक अभ्यास और रह गया हमारा, ये घुटनों के बल आप लेट गए, पेट के बल, और इसमें क्या है कि तखत पे या पक्के फर्श पे डायरेक्ट ना करें, हल्का गद्दा बिछा होना चाहिए, नहीं तो घुटनों में तकलीफ होती है इससे। फिर आप ऐसे ऐसे करें, एक एक पैर करें, दूसरा दबाएं ऐसे धीरे धीरे, फिर दोनों पैर इकट्ठे, और इसमें भी घुटनों में अखबार दबा लें आप, पैर के एडी और पंजे भी मिला के रखने हैं और घुटने भी मिला के रखने हैं सजनों। ये सावधानी ध्यान रखनी है, चाहे आप एक अखबार घुटनों में रखें और एक अखबार यहाँ एडी और पंजों में यहाँ पे रख लें और वो अखबार गिरने ना पाए, फिर आप ले जाएं पैर को बार बार ऐसे, और हो सके तो एडियों को जितना अपनी तरफ ला सकें, ये धीरे धीरे करना है, जल्दी नहीं करना। हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं, और ऐसे नहीं रखते तो ऐसे ये मकर आसन में लेट सकते हैं, यानी कि दोनों कोहनियाँ आपस में पकड़ ली, माथा हाथों पर रख लिया,
ऐसी स्थिति में हमारा सीना उठ जाएगा, यानी कि छाती नहीं दबेगी, फेफड़ों पे वजन नहीं आएगा और हमारा सामान्य श्वास आसानी से चलता रहेगा। इस विधि से आप घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। एक आसन ये भी आपने करना है, ऐसे रखे पैर को, फिर दूसरा पैर 20 गिनने तक, 30 गिनने तक, जितनी आपको क्षमता है। इधर आपका हृदय फेफड़े मजबूत हो रहे हैं और उधर आपका घुटना मजबूत हो रहा है। अब आ जाइए परहेज। तो सजनों, यदि हमें घुटनों के दर्द ज़्यादा सता रहा है, घुटनों का दर्द, तो हमें कढ़ी, चावल वाली खीर, उड़द की दाल, भिंडी, अरबी, गोभी, मटर, ये सब भयंकर सब्जियों में आते हैं, इनसे बचें, मैदे के पदार्थों से बचें और हो सके तो घिया, तोरी, टिंडा, परमल, पेठा, मूंग की दाल, मसूर की दाल और सरसों, पालक और बहुत सारी चीज़ें हैं, गाजर, टमाटर, आपका अदरक का सेवन ज़्यादा करें, हल्दी वाला दूध पिएं। हल्दी वाला दूध पिएंगे तो उससे आपका नेचुरल स्टेरॉइड बनेगा। स्टेरॉइड दवाइयों में होता है, वो नुकसान देगा, लेकिन नेचुरल जो बनेगा प्राकृतिक रूप से हल्दी, अदरक, इनसे हमें जो मिलेगा वो हमारे जोड़ों के दर्दों को ठीक करेगा। और लस्सी और दही से भी सजनों बचने का कोशिश करें, हो सके तो गर्म पानी पिएं, क्योंकि घुटने के दर्द वालों को यदि आप ठंडा पानी पिएंगे, ठंडे पदार्थ खाएंगे, ठंडा भोजन करेंगे तो आपको उससे जकड़न बढ़ेगी और जकड़न बढ़ेगी तो आपका दर्द बढ़ेगा। दोनों समय पेट सफाई पे ध्यान जरूर दें, यदि दोनों समय पेट साफ नहीं होगा, मल अंदर सड़ेगा, दूषित गैस आर्टरीज के अंदर नस नाड़ियों के माध्यम से जाएगी अंदर शरीर में और जिस अंग पे वो प्रकोपित होगी, क्रोधित होगी, ऐसा मान लीजिए वहीं हमारा दर्द शुरू होगा। सजनों, आपको चोट लगी नहीं है और आपको घुटने में दर्द है, काहे का दर्द है, केवल सड़ी हुई दूषित गैस का। मैं सड़ा हुआ शब्द इस्तेमाल करता हूँ इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा सा तो लगे कि हाँ, हमें स्वयं से घृणा आनी चाहिए और हम सजग हों और पेट साफ करने के प्रति गंभीर हों। इसलिए आप वो सड़ी हुई गैस, ये अगर कूल्हों में गई तो कूल्हों का दर्द, कई माताओं बहनों को होता है, सज्जनों को होता है, कंधों में दर्द होता है, कोहनियों में दर्द होता है, कलाइयों में होता है, गट्टों में, एड़ियों में दर्द होता है, और यहाँ भी अगर दर्द ना हुआ तो कहीं हार्ट को ब्लॉकेज करेगा, कहीं अस्थमा पैदा करेगा, कहीं सर्वाइकल माइग्रेन पैदा करेगा, कहीं गुप्त रोग पैदा होंगे हमारे, कहीं लीवर कमज़ोर होगा, कहीं पेनक्रियाज इंसुलिन बनाना कम कर देंगी, यानी कि तरह तरह के रोग हमारे शरीर में आएंगे, उन सब की जननी कब्ज है। इसलिए कोशिश करें, चाहे इसबगोल की भूसी लें, चाहे आंवले का रस पिए आप जल मिला करके, चाहे आप गौमूत्र का सेवन करें, गाय की भी पूजा होगी, गाय की भी सेवा हो जाएगी और आपका भी लाभ हो जाएगा। चाहे आप हरड़ का सेवन करें, चाहे त्रिफले का सेवन करें, जो भी आप करें, सलाद ज़्यादा खाएं, मोटा आटा खाएं, फास्ट फूड से बचें, इन सावधानियों के साथ जब आप ये अभ्यास कुछ करेंगे तो आपका निश्चित रूप से घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। और मैंने उस प्यारे प्रभु की कृपा से, प्यारे परमात्मा की कृपा से अनेकों ऐसे रोगियों को, यानी कि मुझे श्रेय गया है उस चीज़ का, करने वाला परमात्मा है, उन लोगों ने मेहनत करी और उनका डॉक्टरों ने जो प्रेस्क्राइब लिख दिया था कि आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, ऑपरेशन के बिना आपके घुटने स्वस्थ होने वाले नहीं हैं, तो सजनों उनके घुटना का ऑपरेशन कैंसिल हुआ और आज वो खुशहाली का जीवन योग अभ्यास, इन्हीं व्यायामों, इन्हीं एक्सरसाइज को, इन्हीं प्राणायाम को करके, इन परहेज को करके खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। आशा करता हूँ आप भी इन योग को करेंगे, इन प्राणायाम को करेंगे, इस परहेज को करेंगे और आपका भी जीवन खुशहाल होगा, आप ऑपरेशन से बचेंगे। सभी का धन्यवाद, शुभ नमस्ते। ओम।